सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और टॉपिक है हेयर से रिलेटेड। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, सो आज मैं आपको बताऊंगा अपने हेयर का जो अपडेट है, कितना ग्रोथ हुआ है, कितना कंट्रोल हुआ है, डॉक्टर बत्रा का जो होम्योपैथिक है कितना उसमें चेंजेस आए हैं, कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सो काफी दिनों से मैं बिजी था और इस टॉपिक पे मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। सो आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में कि कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सो चलो शुरू करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा था इतने दिनों से इस टॉपिक पे, और मैं कहाँ था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं चला गया था गाँव और हमारी शादी थी, तो शादी में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। और शादी के बाद फिर मैं मनाली चले गए थे हम लोग। शादी के बाद फिर मनाली से आने के बाद उसके बाद ही मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। और अब मैं आपको अपडेट दूंगा बीच बीच में और बताता रहूंगा इस टॉपिक के बारे में, मेरा हेयर जो है कितना ग्रोथ हुआ नहीं हुआ और काम किया है या नहीं किया है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो हेयर फॉल का जो इशू था वो काफ़ी कंट्रोल में है, काफ़ी बेटर है। एक्चुअली मेरा जो प्रॉब्लम था वो डैंड्रफ का था बहुत ज़्यादा। सो डैंड्रफ का जो इशू था वो मेरा धीरे धीरे कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है। पहले जो हेयर डैंड्रफ जो था दिख रहा था वो एक लेयर जैसा बैठ गया था, बिल्कुल वाइट एक लेयर था डैंड्रफ का, बट अभी वैसा नहीं है। अब थोड़ा सा जो है वहाँ पे वाइट लेयर जो है ख़त्म हो गया है और डैंड्रफ काफ़ी हद तक 80% ख़त्म हो गया है और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेट बराबर होने लगा है। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा जो हेयर फॉल है वो काफ़ी कंट्रोल में है और काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिला है हमको। सो मैं रिजल्ट से खुश हूँ। और हेयर फॉल का इशू तो था ही, बट उसके साथ मेरा जो डैंड्रफ का इशू था वो डैंड्रफ का इशू बहुत ज़्यादा था, तो मेरा डैंड्रफ का ही मेजर इशू था। डॉक्टर ने भी बोला आपका डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, जो स्काल्प होता है उसके ऊपर एक लेयर सा बैठा हुआ था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। चूंकि जाने के बाद वहाँ पे मॉनिटर में चेक कर दे डॉक्टर, तो आपको दिखेगा कि हाँ मेरा जो स्काल्प है कितना क्लीन है और कितना डैंड्रफ कम हुआ है। तो जब भी मैं जाता हूँ, एवरी मंथ जाता हूँ, जब भी मेरा फॉलोअप रहता है तो मैं देखता हूँ मॉनिटर में और उसके बाद पिक्चर ट्राई करता हूँ लेने के लिए। तो जो पहला पिक्चर था उसमें जो डैंड्रफ था और अब का जो पिक्चर है काफ़ी दोनों में डिफरेंस है। और पहले जो दिखता था वो स्काल्प के ऊपर वो सिर्फ व्हाइट कलर का दिखता था, पूरा डैंड्रफ था क्योंकि, बट अब जो स्काल्प दिखता है मॉनिटर में वो उसमें थोड़ा रेडनेस दिखता है। मतलब रेडनेस मतलब ये कि वहाँ पे ब्लड अब प्रॉपर सर्कुलेट कर रहा है। और बीच बीच में मैं 10 दिन पे वीकली जाता हूँ थेरेपी के लिए, जो कि लेजर थेरेपी होता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको सबको पता है, मैंने पहले ही बताया था। तो अब जो दिखता है वो बिल्कुल रेड रेड दिखता है, मतलब एकदम से बिल्कुल क्लीन नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा बहुत है, बट एज पर कंपेयर टू पहले वाला और अभी वाला, तो अभी वाला ज़्यादा बेटर है क्योंकि अब उसमें ब्लड सर्कुलेशन दिखना शुरू हो गया है और काफ़ी हद तक ठीक है। तो मेजर जो प्रॉब्लम था मेरा वो डैंड्रफ का ही था, तो डैंड्रफ मुझे कैसे भी करके ख़त्म करना था। और डॉक्टर को मैंने बोला भी था मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डैंड्रफ का ही इशू है, डॉक्टर ने भी बोला हाँ आपका डैंड्रफ का ही इशू है ज़्यादा, आपका डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। और वैसे ही हुआ मेरा, तो डैंड्रफ मुझे काफ़ी कम हुआ है, बट हर 2-3 दिन पे मुझे जो शैम्पू करना पड़ता है, डॉक्टर बत्रा का ही शैम्पू यूज करता हूँ मैं और उसी से मैं अपना जो है हेयर वॉश करता हूँ, तो मैं वही मंगाता हूँ, ऑनलाइन मंगाता हूँ और मैं क्लिनिक से नहीं लेता हूँ क्योंकि क्लिनिक में मुझे महंगा पड़ता है, तो मैं ऑनलाइन मंगा लेता हूँ अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। सो मैं वही यूज करता हूँ, दूसरा यूज करने से अच्छा है वही यूज करूँ। और हर हफ्ते में एक बार जो पाउडर मिलता है जो कि दही में डाल के लगाते हैं वो भी मैं वीकली लगाता हूँ, और उसको वीकली लगाना है तो मैं वो भी वीकली लगाता हूँ और उससे काफ़ी ज़्यादा जो स्काल्प है क्लीन हो जाता है। तो मेरा जो दोस्तों मेरा जो प्रॉब्लम था एक्चुअल में डैंड्रफ का ही था। और आपको न्यूट्रिशन भी तो लेना पड़ेगा, न्यूट्रिशन मैंने शुरू शुरू में लिया था बीच में छोड़ दिया, बट न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। सो अभी मैं सिर्फ मेडिसिन खा रहा हूँ जो दवा मिलता है मुझे, और वीकली पाउडर में दही डाल के और जो पाउडर मिलता है क्लिनिक से वो भी फ्री ऑफ
फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, क्योंकि उसमें इंक्लूड है तो मुझे पैसे देने नहीं देने पड़ते हैं, तो मेरे को साथ में मिलता है। तो लेजर थेरेपी और पाउडर और जो मेडिसिन है, ये तीनों मुझे मिलते हैं और इसके मुझे पैसे नहीं देने पड़ते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ 1 ईयर का। सो मैं वीकली दही में डाल के वो पाउडर लगाता हूँ, डॉक्टर बत्रा का शैम्पू यूज करता हूँ, और 10 दिन पे या एक हफ्ते पे या 15 दिन में जब भी टाइम मिलता है मैं जाता हूँ क्लिनिक और लेजर थेरेपी लेता हूँ। 20 से 25 मिनट का होता है और एवरी मंथ मुझे अपॉइंटमेंट आता है, मैसेज आता है व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट का, और मैं एवरी मंथ फॉलोअप के लिए जाता हूँ और डॉक्टर से मिलता हूँ। डॉक्टर चेक करती है, बताती है, वेट चेक होता है, स्काल्प चेक होता है, बालों को ऐसे निकाल के चेक करती है, तो ये सब सारी चीज़ें होती है, और कैसा है आप, क्या कर रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हो, मेरे सारी चीज़ें पूछती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो गाइस, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो रिजल्ट है बेहतर है और पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि डॉक्टर बत्रा का जो होम्योपैथी काम नहीं किया, मेरे लिए तो काम किया, और मुझे लगता है कि बाकी लोगों का भी काम करता हो, उस पर मैं बोल नहीं सकता, बट मेरा काम किया है, और 100% काम नहीं किया, बट काफ़ी हद तक 75% 80% काम कर गया है। सो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, अभी 1 साल होने को है, तो देखते हैं क्या होता है 1 साल तक, उसके बाद आगे करना है या नहीं करना है। डॉक्टर बोल रहे थे कि आगे आपको कंटिन्यू करना चाहिए 1 साल और, ताकि पूरी तरह से ख़त्म हो जाए डैंड्रफ और हेयर फॉल का जो इशू है। तो मैंने इस पर अभी कुछ बताया नहीं, बट देखते हैं आगे क्या होता है। सो दोस्तों, मैं एक चीज़ डॉक्टर से पूछा था जब गया था लास्ट टाइम, तो मैंने बोला डॉक्टर जब मैं शैम्पू नहीं करता हूँ 4-5 दिन तक ऐसे, या फिर हेयर वॉश नहीं करता हूँ, तो डैंड्रफ मुझे थोड़े बहुत आने लगते हैं, दिखने लगते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि 4-5 दिन तक आप अगर छोड़ोगे तो जाहिर सी बात है डैंड्रफ तो आएंगे ही, हर किसी के आते हैं, तो आप 4-5 दिन तक या 1 हफ्ते तक नहीं छोड़ सकते, आपको 2 से 3 दिन पर हेयर वॉश करना ही है, मतलब शैम्पू करना है, ताकि आपका हमेशा स्काल्प जो है क्लीन रहे, तो आप ऐसे 1 हफ्ते 10 दिन तक मत छोड़ो। मैं बोला मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट ट्राई कर रहा था कि अगर मैं 4-5 दिन तक छोड़ रहा हूँ तो डैंड्रफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो 4-5 दिन तक छोड़कर ट्राई किया मैंने, तो डैंड्रफ आना शुरू हो गया था वापस से, बट थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ था, पहले जैसे नहीं है। और बाकी न्यूट्रिशन भी लेना है, ऑफकोर्स न्यूट्रिशन के लिए हमेशा बोलती है डॉक्टर, बट मैं बीच बीच में न्यूट्रिशन गैप कर देता हूँ। सो न्यूट्रिशन लेना चाहिए, बट मैं बीच बीच में गैप कर देता हूँ, तो उस पर मुझे ध्यान देना चाहिए और न्यूट्रिशन मुझे लेना चाहिए। सो गाइस, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपको ऐसे ही जानकारी देता रहूँगा अपने हेयर के बारे में और डॉक्टर बत्रा होम्योपैथिक के बारे में। सो फिलहाल के लिए इतना ही, और आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आगे मुझे क्या करना है, क्योंकि 1 साल होने को है और हमारा जो कोर्स था 1 साल का ही था। सो डॉक्टर बोलती है कि आपको कंटिन्यू आगे करना चाहिए, बट मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।